अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बफजल खुदा खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, करीब 1.5 माह तक। इसकी वजह ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी बिना पर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं बिजनेस में वापस आ गया हूँ चैनल में, और अब इंशाल्लाह रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं फोकस करूँगा, दोस्तों ने जो फेसबुक पेज पे मैसेज करके या कमेंट करके जो वीडियोस बनाने के लिए रिकमेंडेशन जाहिर की, मैं उन टॉपिक्स पे ही फिलहाल वीडियोस बनाऊंगा। और जब ये मुकम्मल हो जाएंगी, 10 से 12 वीडियोस हैं, फिर उसके बाद मैं अपने रेगुलर फॉर्मेट में आ जाऊंगा और वीडियोस अपलोड किया करूंगा। दोस्तों, फेसबुक पेज पे कुछ दोस्तों ने मैसेज किए हैं और कमेंट भी किए हैं कि आप काइंडली कपड़े धोने वाला साबुन बनाने का तरीका और उस कारोबार के बारे में इंफॉर्मेशन की एक वीडियो बनाएं। वैसे तो मैं इस कारोबार की एक तहरीरी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बिजनेस में से कुछ दोस्तों ने इस वीडियो को दोबारा बनाने और बोल के बनाने के लिए कहा है, तो इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सब दोस्तों ने सुन रखा होगा कि जरूरत इजाद की माँ है, इसी तरह जब कपड़ा बना तो कपड़े में मैल भी आई और मैल को धोने के लिए साबुन इजाद किया गया। पहले तो ये साबुन घरों में जब गोश्त मंगवाया जाता था तो उसकी चर्बी उतार कर पिघला कर उसमें कास्टिक सोडा ऐड किया जाता था और इसका साबुन तैयार कर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने इसको सस्ता करने की भी कोशिश की और इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश भी की, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ चर्बी और कास्टिक सोडा साबुन बनाया जाता है वो बहुत महंगा पड़ता है। अब कपड़े धोने वाला साबुन चर्बी या चिकनाई और कास्टिक सोडा के साथ ही बनता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का, एक केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जो एज ए फिलर काम करता है, वो है सोडियम सिलिकेट। दोस्तों, सोडियम सिलिकेट सिलिका सैंड से बनाया जाता है। सोडियम सिलिकेट की फैक्ट्रीज काफ़ी शहरों में मौजूद हैं, जैसे कि फैसलाबाद, सरगोधा, मियांवाली, इन 3 शहरों में तो फैक्ट्रीज मैंने देखी हैं। दोस्तों, चिकनाई के लिए ज़्यादातर तो बिनौले का तेल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तेल बिनौला महंगा होने के बायस कारोबारी हजरात ने इसका अल्टरनेट ढूंढा और वो थी चर्बी। दोस्तों, कसाईयों के पास चले जाएं, खा वो ब्रायलर मुर्गी के कसाई हों या बड़े जानवर की, वो आपको चर्बी या पिघली हुई चर्बी आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करते हैं कि जो चर्बी इनके पास बची रह जाती है वो शाम को अपने घरों में ले जाते हैं और उसे पिघला कर उसका तेल बना लिया जाता है और फिर तेल ये लोग फरोख्त करते हैं। और ब्रायलर मुर्गी के सप्लायर यानी कि जो लोग इन दुकानदारों को ब्रायलर मुर्गी मुहैया करते हैं, वही लोग इसकी आलाइशें वगैरह उठाकर ले जाते हैं और उनके कुछ पैसे इन कसाई हजरात को दे देते हैं। फिर वो आलाइशें बड़ी फैक्ट्री में ले जाते हैं और इनको पिघला कर इनमें से चिकनाई निकाल ली जाती है और इसका मुख्तसर नाम इन फैक्ट्रीज ने रखा हुआ है फैटी। तो आपको कई फैक्ट्रीज ऐसी मिल जाएंगी और आपको सिर्फ जाके यही कहना पड़ेगा कि हमें फैटी दे दें, तो आपको फैटी के बने ब्लॉक्स आपको दे देंगे। दोस्तों, तेल बेनौला जो है वो पानी कम ऐड करता है, यानी कि जब आप तेल बेनौला साबुन बनाते हैं तो उसमें पानी कम डलता है। बड़े जानवर या छोटे जानवर किसी भी चर्बी हो वो भी पानी कम इस्तेमाल करती है, लेकिन जब आप ये फैटी ले लेते हैं तो क्योंकि फैटी को एक केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है तो इसे तैयार करने वाले साबुन में आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मगर मैं फिर भी रिपीट करना चाहूँगा कि अच्छा साबुन ऑयल्स या तेल की मदद से ही तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये तो थी वो चीज़ें जिनसे आपका साबुन तैयार होना है। अब आपको ये साबुन बनाने के लिए जो मशीनरी की जरूरत होगी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक बड़ी सी कढ़ाई चाहिए जिसे कड़ा भी कहा जाता है। आपको कड़ा एक मखसूस जगह पे फिट करना पड़ेगा जिसके नीचे आग भी जलाई जा सके ताकि आपके केमिकल्स को पिघलाया जा सके, और फिर उसके ऊपर मशीन भी फिट करनी है। इसके दो तरीके हैं, या तो हाथ से हिला हिला कर साबुन को मिक्स कर लिया जाता है या इसके ऊपर एक मशीन फिट की जाती है। मशीन में दो एग्जाम है, या आपको पीटर इंजन लगाकर एक मिक्सर मशीन तैयार करनी पड़ती है या उसके बाद आपको
एक इलेक्ट्रिक मोटर जो थ्री फेस होती है वो लगाकर मिक्सर मशीन तैयार करनी पड़ती है, जिसको आम और सादे अल्फाज में बंदानी भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आपको इस किस्म के एक डब्बे भी चाहिए। जब आपका साबुन तैयार हो जाएगा तो आपने इस कड़ाह से निकाल कर इन डब्बों में डालना है तकरीबन एक रात के लिए, ताकि आपका साबुन ठोस शक्ल इख्तियार कर ले। फिर उसके बाद आपको एक मैनुअल कटिंग मशीन भी चाहिए, जो कि इस तरह की होगी। फिर उसके बाद अगर आप इस साबुन के ऊपर अपना मार्का इम्बोज करना चाहते हैं, अपना मार्का लगाना चाहते हैं, तो आपको एक हैंड प्रेस भी चाहिए, जिसके अंदर आपके अपने मार्के, आपके अपने ब्रांड लेबल के नाम से, आपके अपने ब्रांड के नाम से एक डाई लगी होगी, और आप इसको प्रेस करके अपने साबुन के बार के ऊपर अपना लेबल या अपना मार्का इम्बोज कर सकते हैं। दोस्तों, इस साबुन का एक छोटा सा फार्मूला मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि आपको कैलकुलेशन क्या रखनी है। दोस्तों, इसका बेसिक ये है कि आपने जितनी चिकनाई, फैटी एसिड या ऑयल इस्तेमाल करना है, उसको आप 0.13 0.13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्टिक सोडा की रेशो निकल आएगी कि आपको इतना कास्टिक सोडा इसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद सोडियम सिलिकेट की बात की जाए तो सोडियम सिलिकेट एज ए फिलर इस्तेमाल होता है। सोडियम सिलिकेट आप 30% से लेकर 60% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रेशो आपकी चिकनाई पे मुतय्यन करती है कि अगर आप फैटी एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोडियम सिलिकेट ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप तेल बिनोला इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोडियम सिलिकेट आप थोड़ा कम ऐड करेंगे। अब आते हैं हम इसके प्रोसेस की तरफ, क्या आपको ये साबुन बनाना कैसे है। सबसे पहले एक कड़ा में आपने अपने फैटी एसिड, चिकनाई या तेल बिनोला गर्म करना है। फिर उसके बाद आपने एक बर्तन ले लेना है, जिसके अंदर आपने कास्टिक सोडा डालकर उससे 3 गुना ज़्यादा पानी डाल लेना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 1 किलो कास्टिक सोडा और 3 किलो पानी। फिर इसको हिलाते रहना है, और जब कास्टिक सोडा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए तो आपने छोड़ देना है। फिर दूसरे कड़ाह में आपने सोडियम सिलिकेट डालकर पिघला लेनी है और कास्टिक सोडा उसमें ऐड कर देना है। जब कास्टिक सोडा और सोडियम सिलिकेट मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाए तो आपने गर्म तेल इसमें शामिल करना है, या इस महलूल को आप गर्म तेल में शामिल कर सकते हैं। अगर आप मशीन की मदद से करेंगे तो 5 से 6 मिनट में आपके तमाम अज़ा यकजान हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने आग आहिस्ता कर देनी है, और आहिस्ता करते करते आपने ये कि 5 से 6 मिनट के अंदर मुकम्मल आग बंद कर देनी है, और ये आप इस तरह आपका साबुन तैयार हो जाएगा। ये साबुन ऐसा होगा जैसे कि आपने घरों में गर्म गर्म हलवा तो खाया ही होगा, तो हलवे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा ये आपका साबुन। फिर उसके बाद इस साबुन को आपने इस तरह के बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपने तकरीबन 1 रात के लिए इसको छोड़ देना है, और अगले दिन सुबह उठ के इन डब्बों को, इन बॉक्सेस को उल्टा लेना है, और आपका साबुन एक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और ये ब्लॉक आपने अपनी कटिंग मशीन के करीब ट्रांसफ़र कर देना है। फिर कटिंग मशीन वाला पहले तो इसकी स्लैब्स बना लेगा। स्लैब बनाने के बाद वो कटिंग मशीन पे इस साबुन को साइज या वजन के लिहाज से काट कर इसके बार्स बना लेगा। कटिंग के बाद फिर इसको आपने खुशक होने के लिए मजीद 1 दिन के लिए रख देना है, और अगर आपने इस पर अपना मार्का इम्बोज करना है तो आप इसको अपनी प्रेस मशीन के करीब ले जाएंगे। प्रेस मशीन पे अपना मार्का इम्बोज करने के बाद आप इसको पैक कर सकते हैं। पैक करके फिर आप इसके कॉटन बना सकते हैं, कॉटन बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, सोडियम सिलिकेट 20 से 21 रुपये किलो है, कास्टिक सोडा 72 से 73 रुपये किलो है, तेल बनोला आपको 135 रुपये किलो तक मिल सकता है। पिघली हुई चर्बी अगर आप अपने लोकल शहर से परचेज करें तो वो आपको 80 से 85 रुपये किलो मिलेगी, और अगर आपने फैटी एसिड लेना है तो वो आपको 107-108 रुपये में किलो मिलेगा। इसकी पैकिंग के लिए कार्टन आपको तकरीबन 17 से 18 रुपये का मिलेगा। दोस्तों, अगर आप डीजल इंजन से मदानी मशीन पर लाना चाहते हैं तो तकरीबन आपका 60 से 65 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर से इसकी मदानी मशीन बनाना चाहते हैं तो आपका ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 50 KV की मोटर लेनी पड़ेगी आपको, और फिर इस 3 फेस मोटर को चलाने के लिए आपको एक ट्रांसफार्मर भी लगवाना पड़ेगा। 35 से 50 KV का ट्रांसफार्मर आपको लगाना पड़ सकता है, जिसकी कीमत तकरीबन 3.5 लाख रुपये से 5.5 लाख रुपये तक है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कारोबारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस कारोबार के बारे में अगर कोई चीज़ शामिल करनी हम भूल गए हो तो काइंडली कमेंट करके या हमारे फेसबुक पेज पे
मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।